No, that was good one. Monday, Saturday, whiteboard reasoning. Yeah, that was good word. Impress, whiteboard reasoning. Zahir bhai ekdam theek. Ashwat ekdam majet ni. Tu kasa ahes. So I'm fine. चलो ये वीक का डैट और वैट का मिल गया क्या सिलेबस डैट और वैट यस या टू हिम गुड इवनिंग या सो कौन सा है आईयूपीएससी नहीं है आईयूपीएससी बाद में कभी डालेंगे अभी नेक्स्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक I'll put RM also, reaction mechanism also. So, सभी लोग उसकी तैयारी करना शुरू कर दें. या प्रणव उसमें संडे वैट में भी वैट में रखा है मैंने ये जो अभी आएगा डैट उसमें नहीं है उसमें आई थिंक सिर्फ आइसोमेरिज्म एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि सभी लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा आई एम एक्सपेक्टिंग लेट्स सी हाँ पढ़ाई करो क्वेश्चन इजी होंगे चलो आगे बढ़े ओके जी चलिए अच्छा डिड वी डू E2 एलिमिनेशन E2 कर लिया था एंटी पेरिप्लेनर नो एलिमिनेशन शुरू भी नहीं किया था क्या एलिमिनेशन अच्छा क्या खत्म किया था एनजीपी हो गया था एनजीपी हो गया डिड यू गो थ्रू विथ ऑल एग्जाम्पल्स किड्स लुकास रिएजेंट वॉज लास्ट आई थिंक या सो एग्जाम्पल्स सभी ने देख लिया एग्जाम्पल्स ओके एग्जाम्पल्स देख लो ओके एग्जाम्पल्स देख लो या एग्जाम्पल्स देख लो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे विच इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन बच्चों यहाँ पर नोट्स में बहुत ज्यादा सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है कोमल आई एम फाइन बेटा सो उसको ध्यान से पढ़ना है अल्कीन चैप्टर के सारे रिएक्शंस जो है वो आज के सेक्शन पे बेस्ड है ओके यहां समझ में आ गया तो तुमको अल्कीन में बहुत सारी रिएक्शन ऐसे समझ में आ जाएंगे ठीक है सो एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब क्या सो इट्स वेरी सिंपल कि एक सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड आ जाएगा या तो वो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा यानी एलिमिनेट करना ग्रुप को निकालना बाहर एलिमिनेट करना ओके सो एलिमिनेशन रिएक्शन में मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जाम्पल पहले सिखाता हूं सिंपल एग्जाम्पल इज CH3CH2Br ओके CH3CH2Br We have aqueous KOH and we have alcoholic KOH. Okay, what is this aqueous KOH and what is this alcoholic KOH? Come on, tell me. क्या फर्क है इन दोनों में? सॉल्वेंट्स का फर्क है अच्छा मेरा ना सभी लोगों से नहीं कुछ लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई अगर तुम पूरा सेशन नहीं बैठ सकते तो प्लीज कोशिश करो कि तुम स्टार्ट से ही ना बैठो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट क्योंकि फिर क्या होता है यू माइट सडनली से अचानक जाग जाओगे और देन यू आर इन बिटवीन द टॉपिक गायब हो जाओगे सो इट्स नॉट गुड इट्स बेटर जिनको भी सेशन नहीं अटेंड करना है
वो शुरुआत से ही अटेंड ना करे, ठीक है? बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड कि समटाइम यू डोंट अटेंड द होल सेशन एंड देन यू आस्क मी डाउट पर्सनली एंड व्हेन आई आस्क यू देन यू से कि सर नहीं अटेंड कर पाया, सो दैट्स रॉन्ग। बाकी लोग जो अटेंड कर रहे हैं सिंसियरली, भाई ये तो उनके साथ गद्दारी है ना। सो इफ यू कैन नॉट अटेंड प्लीज डोंट अटेंड, आई डोंट माइंड। मतलब यू हैव टू टेक कॉल हियर कि नहीं मैंने करना क्या है, एंड अगर अटेंड कर रहे हो तो पूरा करो भाई, हाफ वे गाना नहीं गाना है। आई होप आई एम क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आधा आधा मुझे भी अच्छा नहीं लगता भाई, यू आर लाइक इन बिटवीन में आओगे फिर गायब हो जाओगे। चलो एक्वस के वच और एल्कोहलिक के वच, इन दोनों की कहानी जरा ध्यान से सुनना। पहला वाला मुझे प्रोडक्ट देगा CH3CH2OH और दूसरा वाला मुझे प्रोडक्ट देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। And this is called elimination reaction. Okay? So substitution तो हमने पढ़ लिया, but मैं तुम्हें aqueous और alcoholic KOH के बीच का difference समझाना चाहता हूँ। अगर ये difference तुम्हें समझ में आ गया तो तुम ऐसे बहुत से reaction बहुत आसानी से कर लोगे। क्या difference है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। See, aqueous यहाँ पर reactant same है, ये KOH सेम है। एल्कोहलिक KOH, ये एल्कोहलिक लिखा हुआ है, यहां पर सिर्फ एल्कोहल का प्रेजेंस है। ओके, सो आयोनिक इक्विलिब्रियम, आई थिंक मैंने इसके बारे में कुछ बात किया था मैंने इसके बारे में। यस, तो यहां पर क्या होता है, यू गेट समथिंग कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस। क्या मिलता है इधर, कॉन्जुगेट बेस प्लस H2O। क्या हो गया इधर, कॉन्जुगेट बेस प्लस H2O। ओके, मुझे बताओ, अब ये भी बेस है, KOH इज ऑल्सो अ बेस एंड OCH3- इज ऑल्सो अ बेस। इन दोनों में क्या फर्क है जल्दी, KOH इज ऑल्सो अ बेस, OCH3- इज ऑल्सो अ बेस, इन दोनों में क्या फर्क है, कम ऑन। प्रणव, KOH इज स्ट्रॉन्गर या मतलब चार्ज वाला OCH3- ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कम ऑन थिंक अबाउट इट। या हेट, दैट्स करेक्ट। तो मतलब एकदम वॉयलेंट कौन होगा, वॉयलेंट कौन होगा, एकदम वॉयलेंट लुइस बेस OCH3- कॉन्जुगेट बेस। ये अल्कली बेस होते हैं, दे आर अल्कली। अल्कली और बेस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर तुमने स्कूल सेक्शन में किया होगा, सो स्कूल सेक्शन में अल्कली और बेस के बीच का डिफरेंस तुमको समझाया जाता है। समवन इज सोल्यूबल इन वाटर, समवन इज मे और मे नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर, ऐसी बहुत सी कहानी है। सो मैं यहाँ पर OCH3- जो कि वॉयलेंट क्यों होगा, रीजन है उसके ऊपर चार्ज है। KOH के ऊपर कोई चार्ज है, KOH के ऊपर चार्ज है नहीं, सो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है। ही इज नॉट दैट, ही इज नॉट इन हरी। या OCH3- प्रणव, दैट्स करेक्ट, ठीक है। या इट्स अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड, ऋषिकेश दिस पॉइंट इज ऑल्सो करेक्ट।
ये कॉन्जुगेट बेस एक वीक एसिड का बना हुआ है, तो वीक एसिड मतलब एसिड अगर वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा. ऋषिकेश दैट लॉजिक इज ऑल्सो करेक्ट. यानी OCH3- बहुत ज्यादा परेशान होगा, उसे अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करना है. हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? सो यहाँ पर अभी हम सबसे पहले, मैं इन जनरल तुमको बता दूं पहले, ये दिस इज समथिंग, ओके. अब यहां पर OCH3- जो है ना बच्चों, OCH3- ये OCH3- यहां से हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा. ओके, याद करो. यानी सबसे पहले तो कार्बन और ब्रोमीन में झगड़ा चालू रहता है, तो कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, ब्रोमीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव. इज दैट ओके? सो OCH3 इसके पास आया कि बोलता है कि भाई कौन है पॉजिटिव, जल्दी जल्दी पॉजिटिव जो है फटाफट रेडी हो जाओ, मुझे बॉन्ड बनाने का है. तो ये लोग उसको बोलते हैं भाई ठहरो, अभी बॉन्ड खींचना चालू है. तो वो डेल पॉजिटिव के पास थोड़ी जाना चाहता है, उसे चाहिए समवन हु इज पॉजिटिव. ठीक है, अभी अभी वेरी सिंपल एग्जाम्पल, कि अगर मान लो मैं वापस पुराना एग्जाम्पल देता हूँ कि किसी एक्स वाई जेड पर्सन को हार्ट अटैक आया, तो तुम उसको डॉक्टर के पास लेके गया. डॉक्टर अगर तुमको लाइन लगाने बोल रहा है, नहीं नहीं जो भी कुछ है लाइन लगाओ, चलेगा? मतलब वो पेशेंट का कहीं और लाइन लग जाएगा. हाँ या ना? वो पेशेंट का लाइन कहीं और लग जाएगा. यस. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, OCH3 क्या बोलेगा? बोलेगा ऐसा छोटा मोटा चार्ज से मुझे नहीं, मुझे तुरंत एच चाहिए. तो व्हाट ही विल डू, वो यहां से एच प्लस लेके चला जाएगा, ये बॉन्ड इधर, ये बाहर. सो यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2. ये पॉसिबल क्यों हुआ? हु इज द मेन कल्प्रिट जिसकी वजह से H को निकलना पड़ा? हु इज द मेन कल्प्रिट? एक्वस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट एल्कोहलिक में हुआ. हु इज द मेन कल्प्रिट? नॉट Br, OCH3- इज द मेन कल्प्रिट. उसे बस अपने चार्ज को स्टेबलाइज करना है, उसे कुछ भी मॉलिक्यूल से उसका कोई भी लेना देना नहीं है. मेरी बात समझ लो, उसे कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है. किससे इमोशनल अटैचमेंट नहीं है उसको? CH3, CH2, Br से कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है. इज दैट पार्ट ओके? हाँ या ना? करेक्ट. तो उसको सिर्फ उसके H प्लस से मतलब है. अच्छा, मुझे एक मन में डाउट आ रहा है. ये देखो, Br और H, ये दोनों के दोनों, Br और H, एक मिनट मैं क्वेश्चन का जवाब देता हूं. Br और H जो लिविंग ग्रुप यहां से जा रहा है, और हाइड्रोजन जो ऑपोजिट साइड से जा रहा है, Br एंड H आर ऑपोजिट टू ईच अदर. OCH3 ने सेम साइड, मतलब जिस साइड Br है वही साइड से हाइड्रोजन को क्यों नहीं निकाला? Come on. वही साइड से क्यों नहीं निकाला? या ऋतुजा, दैट आंसर इज करेक्ट. क्योंकि यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज का क्लाउड है, प्लीज समझने की कोशिश करना, ओके? ये जो नेगेटिव चार्ज का क्लाउड है OCH3- अगर उसी नेगेटिव चार्ज के क्लाउड से आएगा तो क्या होगा उनके बीच में? रिपल्शन होगा. दैट्स करेक्ट. इसलिए OCH3- ये साइड से नहीं आया. OCH3- बैक साइड से आया. ठीक है, करेक्ट. तो रिपल्शन अवॉइड करने के लिए
बैक साइड से अटैक किया। तो यहाँ पर कौन कौन से बेस हो सकते हैं जो मतलब एलिमिनेशन दिखाने में मदद करेंगे, कौन कौन से? अरे बहुत सारे, मैंने लिस्ट दिया हुआ है। सो ओ सी एच थ्री हो सकता है एक अच्छा कॉन्जुगेट बेस, ओ सी एच टू सी एच थ्री हो सकता है अच्छा कॉन्जुगेट बेस। ये लोग सब लोग कॉन्जुगेट बेस है, प्लीज अंडरस्टैंड द स्टोरी। ये हो सकता है कॉन्जुगेट बेस, ये हो सकता है कॉन्जुगेट बेस। तुम्हें नहीं लगता श्रावणी एकदम एलिमिनेशन रिएक्शन के स्टार्ट में ही है, एकदम एलिमिनेशन, ये जो लुकास टेस्ट किया था उसके बाद एलिमिनेशन शुरू होता है, तो उसी एलिमिनेशन के सेक्शन में दिया हुआ है। ओके समझ में आया? CO कैसे फॉर्म हुआ? CH3COH बनेगा, मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा ये वाला पार्ट, ओहो ओके ओके, दिस इज फाइन, ये CH3OH होगा, H2O पहले से था ना, तो वो H2O इधर लिखा मैंने, KBr आएगा, Br K के साथ जाएगा, OCH3 और पहले का H2O बना हुआ। Is that okay? CH3COOH is a catalyst, किधर है एसिड, किधर डाला मैंने एसिड, किधर डाला है मैंने? ओके आगे बढ़े बच्चों। यस, एलिमिनेशन का मतलब समझ में आया। आई जस्ट गेव यू वन एग्जांपल, एलिमिनेशन का मतलब समझ में आया? के नहीं लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज वो आयोनिक है ना, तो मेन ओ सी एच थ्री माइनस पे ही फोकस करना है। ओके आगे बढ़े, एनी डाउट? नो नीड टू राइट इट डाउन, नोट्स में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सो यू डोंट हैव टू वरी। एलिमिनेशन वाला पार्ट देखो, आज हम लोग खत्म करेंगे एलिमिनेशन। एग्जाम्पल प्लीज केयरफुली देखना है, बिकॉज बहुत से एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। हाँ डिहाइड्रेशन वगैरह मैंने दिया हुआ है, सो एलिमिनेशन रिएक्शन करके। अब एलिमिनेशन रिएक्शन होते कितने टाइप के? व्हाट इज देयर ऑन द एक्सट्रीम राइट, दीज आर द टाइप्स ऑफ बेसिस। जैसे जैसे बल्किनेस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बेस का इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे बल्किनेस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एलिमिनेशन का रेट कम होता जाएगा। तो आई विल बी टीचिंग यू दैट पार्ट आल्सो। ओके जैसे जैसे बेस का बल्किनेस बढ़ेगा, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं।
चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन होता कौन कौन से टाइप का है इनिशियली? ओके हाँ ऋतुजा, इसमें चेंजेस है, मैं बताता हूं। सबसे पहले हम लोग इसको कहते हैं 1.1 एलिमिनेशन। अभी इसमें जीओसी का एक टर्म आएगा जो तुमको आंसर देना होगा, इसको अल्फा एलिमिनेशन भी कहते हैं। ओके इसे अल्फा एलिमिनेशन भी कहते हैं। What does 1.1 elimination stands for? So you have a hydrogen and bromine. Okay, this is CH3Br. Okay, 1.1 या alpha मतलब ये carbon जिसको ब्रोमीन अटैच है वो हो गया अल्फा, और उसी कार्बन से हाइड्रोजन भी जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों सेम कार्बन से जा रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अल्फा अल्फा एलिमिनेशन और 1.1 एलिमिनेशन। इज दैट ओके फंक्शनल ग्रुप जिस भी कार्बन को अटैच होगा दैट विल बी अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप जिस भी कार्बन को अटैच होगा दैट विल बी अल्फा कार्बन, और उसी अल्फा कार्बन से मैं हाइड्रोजन भी एलिमिनेट कर रहा हूं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 1.1 एलिमिनेशन। खैर द फर्स्ट पार्ट इज जस्ट आई मीन देयर टू एक्सप्लेन सो आई हैव टू। सो ये फर्स्ट टाइप में क्या बन रहा है, जब मैं एल्कोहलिक KOH लूंगा तो क्या बनेगा? सो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देयर इज इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन देयर इज इलेक्ट्रॉन। ओके क्या बोलते हैं इसको? देखो कोई चार्ज नहीं है क्योंकि Br इलेक्ट्रॉन लेके गया तो पॉजिटिव, हाइड्रोजन से एक्सेप्ट कर लिया, सो ये हो गया KBr प्लस H2O। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? कार्बीन। कार्बीन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जिसको हम लोग कहेंगे सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट कार्बीन। ओके आई थिंक यू कैन रिवाइज दिस पार्ट, अभी अभी यहां जरूरी नहीं है। सिंगलेट और ट्रिपलेट मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। इसको मैं कहूंगा 1.2 एलिमिनेशन और इट इज कॉल्ड α-β एलिमिनेशन। अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन। वॉट इट इज बेसिकली, तो हम लोग जिस कार्बन से एल्कोहलिक KOH, सो दिस बिकम्स अल्फा कार्बन क्योंकि ब्रोमीन इसको अटैच है, करेक्ट? फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो अल्फा कार्बन, और उसका पड़ोसी हो जाएगा बीटा कार्बन। सो अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा एलिमिनेशन में यू विल बी हैविंग CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2। We call this as ethene. इसको हम लोग ethene कहते हैं, ठीक है? अब अल्फा बीटा एलिमिनेशन ये दो टाइप का है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन ये दो टाइप का है, मैं दोनों बताता हूं तुमको।
एक तो है डीहाइड्रोहैलोजनेशन, जो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं। ये रहा डीहाइड्रोहैलोजनेशन, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन भी रिमूव होगा और ब्रोमीन भी रिमूव होगा। ओके, दिस इज डीहाइड्रोहैलोजनेशन। एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज डीहाइड्रेशन रिएक्शन, जहां हाइड्रोजन H2O निकलेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ, कार्बीन इज एन इंटरमीडिएट, दैट करेक्ट। लेकिन कार्बीन जब भी फॉर्म होगा, ये एज यू सेड, हम इसे उठा के कहीं और लेके नहीं जा सकते, ये डायरेक्टली कोई ना कोई प्रेजेंट होना चाहिए उसके साथ रिएक्शन करने के लिए। एम आई क्लियर? सो डीहाइड्रोहैलोजनेशन एंड डीहाइड्रेशन, सो यू नो द लॉजिक कि यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन है। कार्बीन इज एन इंटरमीडिएट, सो दैट इज करेक्ट पॉइंट। ये एस फॉर्म में बैठा हुआ नहीं रहेगा, जैसे ही कार्बीन बनेगा वैसे ही वो रिएक्शन करके अपनी स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। एम आई क्लियर? इंटरमीडिएट का, इंटरमीडिएट के कारण हम रिएक्शन का रेट पता कर सकते हैं। दैट इज वेयर काइनेटिक्स कम्स इनटू पिक्चर, दैट इज वेयर काइनेटिक्स कम्स इनटू पिक्चर। ऑफकोर्स काइनेटिक्स में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो, रादर मैं ऐसे कहूं तो तुम काइनेटिक्स एकदम बेसिक लेवल पे सीखते हो। ओके, सो इन दैट केस रेड इट, ऑफकोर्स जितने भी स्लो स्टेप होते हैं तुम उनको ही डिटरमाइन कर सकता है, क्योंकि फास्ट स्टेप को चेंजेस इतने फास्ट होते हैं कि उनको कैप्चर करना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो ठीक है, राइट नाउ काइनेटिक्स का नहीं, ऑफकोर्स हर ऑर्गेनिक रिएक्शन में काइनेटिक्स का यूज होता है। सो डीहाइड्रोहैलोजनेशन में मैंने तुम्हें बता दिया, अब डीहाइड्रेशन की बारी आएगी। तुमको ये वाला सेक्शन अगर मैं सिर्फ नीट और मेंस लेवल पे बोलूं तो ये बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग डीहाइड्रेशन की बात कर लेते हैं। मुझे बताओ, अगर मुझे ये एग्जाम्पल दिया गया है विच इज कॉल्ड CH3CH2OH, OH इज अ गुड लिविंग ग्रुप और अ पुअर लिविंग ग्रुप, कम ऑन, OH इज अ गुड लिविंग ग्रुप और अ पुअर लिविंग ग्रुप, कम ऑन, पुअर लिविंग ग्रुप। पीके वैल्यू याद हो गया होगा अभी तक, पीके वैल्यू याद हो गया होगा अभी तक, यस, पुअर लिविंग ग्रुप, दैट सुपर्ब, 16 पीके वैल्यू। अगर मैं इसको हाइड्रोनियम बना दू, अगर मैं इसको हाइड्रोनियम बना दू, समवन लाइक OH2 पॉजिटिव, अगर मैं हाइड्रोनियम बना दू तो क्या हो जाएगा? पीके -1.7, यस समान, दैट्स करेक्ट। तो ये यहां से निकलेगा, ये यहां से निकलेगा, ये यहां से निकलेगा, सो दिस विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। एसिड का उधार चुका दिया वो अलग। ओके, पीके 16 से हो गया पीके -1.7। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? अरे सिद्धार्थ को कोई पेज नंबर बताओ भाई, एलिमिनेशन का दो, आई थिंक सेकंड पेज ही मैं कर रहा हूं जहां पे भी एलिमिनेशन का हेडिंग दिया हुआ है। कितना? हाँ 69-70 आसपास देख लो। ओके, अब मैं आता हूं E2 एलिमिनेशन पे, ध्यान से सुनना। एक्चुअली ये E2E1 एलिमिनेशन जो हम लोग करने वाले हैं, शायद मेरा ब्लूटूथ कनेक्टेड नहीं है ऋषि, ब्लूटूथ कनेक्टेड नहीं है मेरा, है या कनेक्टेड है ऋषि? एवरीबॉडी कैन हियर मी? या
ओके, सो एलिमिनेशन दो कैटेगरी का है. सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं E2 एलिमिनेशन. ओके, यहां पर हमें एक वर्ड सीखना है. विच वी कॉल इट एज एंटी पेरिप्लेनर. और एक वर्ड सीखना है जिसे हम कहते हैं एंटी पेरिप्लेनर. ओके, व्हाट एग्जैक्टली दिस टर्म एंटी पेरिप्लेनर स्टैंड्स फॉर, क्या है ये? सो ये भी बता देता हूं. एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों इस पे, सो आई नीड नॉट टेल यू दैट थिंग. अब मैं E2 एलिमिनेशन को प्लीज अगर तुम SN2 से कोरिलेट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा. SN2 में सिंगल ट्रांजिशन स्टेज था या पेरिप्लेनर इज इक्वल टू स्टैगर्ड सिन पेरिप्लेनर एंड एंटी पेरिप्लेनर. पेरिप्लेनर मतलब सेम साइड, एंटी पेरिप्लेनर मतलब ऑपोजिट साइड. ओके, सिन पेरिप्लेनर एंड एंटी पेरिप्लेनर, दो वर्ड ध्यान में रखना, सिन पेरिप्लेनर एंड एंटी पेरिप्लेनर. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सिन पेरिप्लेनर एंड एंटी पेरिप्लेनर, इज दैट क्लियर? यस. आगे बढ़ते हैं. सो यहां पर मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म बताता हूं. दिस विल बी अ स्लो स्टेप. We call this as rate determining step. This will be slow step, rate determining step. तो ये क्या हो जाएगा? CH2Br. ये अब जा रहा है. यहां का हाइड्रोजन भी जाने वाला है. कौन लेके जाने वाला है उस हाइड्रोजन को? पड़ोस में बैठा OCH3. यू हैव टू टेल मी कार्बन पे चार्ज आएगा या नहीं. ये यहां पर ये बॉन्ड होगा ब्रेक, ये फॉर्म और ये ब्रेक. ओके, करेक्ट? एनी कंफ्यूजन? इसको हम लोग कहेंगे ट्रांजिशन स्टेज एंड दिस बिकम्स फास्ट एंड वी आर गोइंग टू गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2. दिस इज अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन. ओके, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल तुम करो. इट विल बी CH3 CHBr, CH2CH3. This is E2 elimination. ये alcoholic KOH. Try doing this. Come on. HBr form? नहीं, HBr कैसे form होगा? HBr कैसे form होगा? Br अपने रास्ते निकलता है. H plus जो निकल रहा है वो OCH3 के साथ जाएगा. H तो इसके साथ जाएगा ना, मिथेनॉल बनाएगा ना, ये CH3OH मिथेनॉल बनेगा ना इधर. सेकेंड वाला एग्जांपल करो, कम ऑन. ये टिपिकल मेंस लेवल के दिस थिंग है.
या ऋतुजा गेव द आंसर. वेरी गुड ऋतुजा, वेरी गुड. या अपूर्वा, आई विल डू दैट बेटा अगेन. ऋतुजा, यू आर गेटिंग वन ब्यूटीन. आई डोंट नो व्हाई अक्षय इज सेइंग टू ब्यूटीन. आई मीन सीरियसली डोंट नो दिस पार्ट, सीरियसली डोंट नो. दोनों का आंसर में फर्क है, एक वन ब्यूटीन बोल रहा है, टू ब्यूटीन बोल रहा है. या अथर्व, दैट वन ब्यूटीन. तुहिन सेज टू ब्यूटीन. ओके, मतलब टू ऑल. या प्रणव, आई गॉट दैट, आई गॉट दैट. फर्स्ट कार्बन टू सीबीआर इज मोर लाइकली. या बट यहाँ से तो सीबीआर निकल रहा है, तुम एच कौन सा निकाल रहे हो? बिकॉज ये अल्फा तो पक्का है, तो ये बीटा है और ये भी बीटा है, तो कौन सा ज्यादा बेटर है? अच्छा, अक्षय सिंह की राइट वाले से ज्यादा बेटर है, मतलब राइट वाला सी एच टू से एच निकालना बेटर है, राइट वन. या बिकॉज अभी मैं तुमको यहाँ दोनों प्रोडक्ट बता देता हूं ना, लेट मी एक्सप्लेन कि यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट आएंगे. ओके, एक होगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, सी एच टू सी एच थ्री. दूसरा होगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच डैश सी एच थ्री. दिस इज वन ब्यूटीन एंड दिस इज सपोज टू बी टू ब्यूटीन. ओके ओके, सो यहां पर राइट वाला क्यों बेटर है? हियर वी आर गेटिंग टू अल्फा एच एंड हियर वी आर गेटिंग सिक्स अल्फा एच. हु इज मोर बेटर? ऋतुजा, यू अंडरस्टूड बेटा व्हाट यू मींस? अंडरस्टूड? या सो दैट्स ओके. मतलब रॉन्ग होना कोई गलत बात नहीं है, रॉन्ग से समझ लो क्या हुआ है. ओके, मेक अ नोट फास्ट, फटाफट सब लोग अपना करेक्शन कर लें यहाँ पे. एवरीवन डू द करेक्शन हियर. एवरीवन डू द करेक्शन. एनी कंफ्यूजन? नहीं, ऋतुजा को करेक्शन करना था बेटा, तुमको नहीं. जयान टेंशन में आ गया, कौन सा करेक्शन? परसेंटेज ऑफ टू ब्यूटीन विल बी मोर. इसके लिए देर इज अ टर्म, इसको हम लोग कहते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट. राइट साइड वाले को क्या कहते हैं? सेडजेफ प्रोडक्ट. और लेफ्ट साइड वाले को कहते हैं हम हॉफमैन प्रोडक्ट. ओके, हॉफमैन प्रोडक्ट. विच वन विल बी द मेजर वन? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चों? यस और नो? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब एलिमिनेशन करते वक्त जहां पर दो दो प्रोडक्ट के ऑप्शन होंगे ना तुम्हारे सामने, या श्रेया, कुछ कंडीशंस ऐसे बन जाएंगे जहां शायद हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट होगा. That is the main part of the chapter. Okay, बाकी elimination तो बहुत simple होगा. Sedzef obviously हमेशा major होगा. If given a choice, alpha hydrogen के हिसाब से of course यही major होना चाहिए. तो कोई Hoffman क्यों बनना चाहेगा? सोचो जरा. And try to think कि if there is an option जहाँ Sedzef dominating हमेशा होगा, मेरे पास सामने से option है कि Sedzef वाला सबसे बढ़िया product होगा, तो वो हॉफमैन क्यों बनेगा?
कुछ ऐसे कंडीशंस हम देखेंगे जहां पर हॉफमैन प्रोडक्ट भी मेजर प्रोडक्ट बन सकता है। कुछ ऐसे कंडीशंस देखेंगे हम जहां पर नो 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 बैक बॉन्डिंग, नथिंग नथिंग, ठीक है। अटैकिंग या हेट, दैट कैन बी वन ऑफ द पॉइंट कि अटैकिंग रिएजेंट के कारण ऐसा होता है। अच्छा, नाउ टेल मी वन थिंग, रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन क्या होता है? रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन क्या होता है? जहां पर दो प्रोडक्ट्स का ऑप्शन हो उसे हम कहेंगे रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। जहां पर दो प्रोडक्ट का ऑप्शन हो उसे हम कहेंगे रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। एम आई ओके? एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? यस और नो? या जहां पर दो प्रोडक्ट का ऑप्शन हो उसे हम लोग कहेंगे रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। दो प्रोडक्ट, एक मेजर एक माइनर, ओके okay? एक मेजर और एक माइनर। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? ओके, आगे बढ़े। ओके आगे बढ़ू? अरे तीन चार प्रोडक्ट वो जाने दो, मैं बाय प्रोडक्ट की बातें नहीं कर रहा हूं। मैं वापिस बोल रहा हूँ, तुम केबीआर और H2O तो तुम बनाते बैठो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं मेन प्रोडक्ट पे फोकस कर रहा हूँ। तुम HBR वगैरह जो भी तुमको बनाना है तुम बिंदास बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ओके, एंटी पेरिप्लेनर वर्ड क्या होता है? जहां पर दोनों हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ग्रुप अगर ऑपोजिट साइड पे होंगे, ठीक है, okay, now after this, after like even dehydration goes via T2 mechanism. When I'm saying T2 mechanism, rate of reaction will be dependent on Hoffman. Hoffman is anti. My voice is low. Is my voice low?
अभी आ रहा है? नाउ इट्स क्लियर, नाउ इट्स क्लियर, नाउ इट्स क्लियर. ओके ओके, लेट्स मूव अहेड, लेट्स प्रोसीड. Placido, you are not able to hear me. Akshay, Hoffman के बारे में मैं आगे समझाऊंगा. Please, please don't be in hurry. Hoffman के बारे में मैं समझाऊंगा. मैं कह रहा हूँ E2 elimination, E1 elimination ही key factor है. बाकी तो समझ जाएगा तुमको. ठीक है? अभी यहाँ पर primary anti periplanar मतलब hydrogen और Br दोनों opposite side से निकलने. एंटी पेरीप्लेनर मतलब टूहीन, एंटी पेरीप्लेनर मतलब हाइड्रोजन और बीआर दोनों ऑपोजिट साइड से निकलना, उसे हम एंटी पेरीप्लेनर कहते हैं. हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों ऑपोजिट साइड से निकलना, उसे मैं एंटी पेरीप्लेनर कहूंगा. ओके, आगे बढ़े, यस और नो? चलो क्लियर, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. ओके, नाउ आफ्टर दिस ई टू डिहाइड्रेशन भी कुछ ऐसा ही है. Now I am giving you a choice, जहां पर you think an answer, okay? CH, let me give you a proper structure to you. Deuterium, hydrogen, hydrogen, CH2Br reacting with alcoholic KOH. Reacting with alcoholic KOH. What will be this? Reacting with alcoholic KOH. What will be this? H और Br नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा भाई? नहीं, माई क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. लाइक लेट मी पुट इट दिस थिंग लाइक, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ. सी, आई विल राइट इट एज डी टू एच, सी डी टू एच, दो ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन. ओके, सो यू हैव अ चॉइस कि तुम ड्यूटेरियम निकालो या हाइड्रोजन निकालो. मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है. वन इज सी डी टू डबल बॉन्ड सी एच टू, another is CHD double bond CH2. You think, मतलब मैं तुमको एक mains level, neat level के लिए एकदम basic सवाल पूछ रहा हूं. ये perfectly eligible है mains में और neat में आने के लिए. ये सवाल, इसे हम लोग कहते हैं topic called as primary kinetic isotopic effect. Primary काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट. ठीक है, ये खैर एनसीईआरटी में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसके ऊपर रिएक्शन है बिकॉज ये जनरल नॉलेज का पॉइंट है. ठीक है, सो विच वन इज मोर, द फर्स्ट प्रोडक्ट इज मोर और द सेकेंड प्रोडक्ट इज मोर? या सेकेंड वन विल बी मोर? ओके, सम आर सेइंग फर्स्ट वन विल बी मोर, दैट्स गुड, दैट्स गुड. Like best part is you people are interacting. That is the best thing. कि यहाँ पे पहला ज़्यादा better है या दूसरा ज़्यादा better है? तो of course answer is जब अगर तुम्हारे पास choice होगा, let's say मैं इस reaction को कह देता हूँ R1 rate, इसको कह देता हूँ R2 rate. तर answer होगा R1 का rate of reaction will be much greater than R2 का rate of reaction. R1 will be much greater than R2, यानी पहला वाला ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा. ठीक है, अंडरस्टैंड द रीजन नाउ. जब मैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने जा रहा हूं और जब मेरे पास कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड है, तो मैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों आसानी से तोड़ा, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ सकता आसानी से? कम ऑन, कैन यू ट्राई
या जिसका देखो बॉन्ड, तुमको ये चीज केमिकल बॉन्डिंग में सीखा है तुमने कि अगर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर है, ओके ये एटम का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है। तो जब किसी का न्यूक्लियस ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो क्या करेगा, किसी का न्यूक्लियस ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो क्या करेगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होगी, करेक्ट। यानी अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं, रादर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूं, तो सीडी बॉन्ड को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी मोर बिकॉज वहां एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है। प्रणव, यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक सपोर्ट करने वाला, यहाँ पे सपोर्ट की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे सपोर्ट कार्बन उससे सपोर्ट मांगेगा या कार्बन ड्यूटेरियम की कुर्बानी देने जा रहा है, व्हाई यू आर सेइंग सपोर्ट की बात, मुझे जो बॉन्ड तोड़ना है मैं उसको इमोशनली उसकी तरफ देखूं कि नहीं यार ये तो बहुत, मतलब तुमको भूख लगी है, तुम चिकन ऑर्डर बनाने वाला है आज, तो तुम मुर्गे की तरफ ध्यान से देखेगा, यार कितना प्यारा मुर्गा है ये ऐसा करेगा यार, फिनिश सीधा या मतलब समझ में आ गया, जस्ट एन एग्जाम्पल ओके कोमल खाना है मतलब, हाँ बस एंड गेम करेंगे ना, बराबर यस पेड, मतलब इन दैट केस हम सीडी मुझे सपोर्ट कर रहा है या नहीं, इधर बॉन्ड, इधर कार्बन को अपनी जान बचानी है, कार्बन को अपनी जान बचानी है, जान बचाने के लिए उसको हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम में से दोनों को एक कुर्बान करना है, तो ड्यूटेरियम को तोड़ने जाएगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगा, तो इट्स बेटर टू कुर्बानी किसको देंगे, जो कमजोर है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज द आंसर, कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छा होने की वजह से, इसका न्यूक्लियस हैवी होने की वजह से, ये सामने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली होल्ड करके रखता है, यानी इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा कंपेयर टू CH बॉन्ड, इज दैट क्लियर यस और नो, सभी को समझ में आया, इज दैट क्लियर, रिएक्शन रेट समझ में आया, यस चलो ये तो हो गया, हाँ कुछ एग्जाम्पल दिया है मैंने, अब आ जाओ, देर इज अ पेज वेर इट इज रिटन ZF और ZF एलिमिनेशन, देर इज अ पेज, फॉलो द पेज केयरफुली, क्योंकि अगर मैं टेक्स्ट बुक की बात करूं या एकदम मेन नीट लेवल की बात करूं तो एलिमिनेशन रिएक्शन 3-4 पेज में खत्म भी हो जाते हैं सारे, ठीक है, लेकिन थोड़ा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, ओके सो मिला ZF और ZF एलिमिनेशन, मिला पेज 75 या 75-76 आसपास देखो, ओके या अक्षय मैं इसलिए इंडिविजुअल न्यूक्लियस की बात किया, मैंने वहां पे ये नहीं बोला कि न्यूट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा, इट्स ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बैलेंस होते हैं तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन ज्यादा होगा ना, तो व्हाई आई शुड गो इन डिटेल कि जब अपने को पता है कि न्यूट्रॉन ज्यादा होगा, मैं सिर्फ इट्स अ सिंपल वर्ड आई विल से कि हाँ न्यूक्लियस में न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है मतलब न्यूट्रॉन ज्यादा अच्छा है ना अक्षय, आया ना, हाँ मतलब अगर मैं तुमको, तुम ये मान लो ड्यूटेरियम की जगह अगर मैंने ट्रिटियम लिया ना, ट्रिटियम उसे तोड़ने के लिए और भी ज्यादा एनर्जी लगेगी, रेडियो एक्टिव वो जाने दो, मुद्दा वो नहीं है, रेडियो एक्टिविटी की बात छोड़ दो, जितना हेवियर हो जाएगा न्यूक्लियस उतना स्ट्रांगली उस वो सामने वाले को होल्ड करके रखेगा, जितना स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा उतना अच्छे से, मतलब उसका डिसोसिएशन बहुत स्लो होगा, इज दैट क्लियर, आगे बढ़ू बच्चों, ZF और ZF एलिमिनेशन, ओके उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल इफ यू सी तो वो लोग दोनों पॉसिबिलिटी देते हैं, 1-butene और 2-butene, हु इज अ मेजर प्रोडक्ट, 1-butene इज अ मेजर प्रोडक्ट और 2-butene इज अ मेजर प्रोडक्ट,
who is the major product? 1-butene or 2-butene? Of course, 2-butene. Why? Why? Of course, 2-butene. Why? Tell me fast. What you will notice whenever you form an alkene, तुम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या नोटिस करोगे? अल्फा एच. सबसे इंपॉर्टेंट क्या नोटिस करोगे? अल्फा एच. यहाँ पे रिएक्शन बहुत सिंपल है, बिलीव मी. SN सब्स्टिट्यूशन से भी ज्यादा इजी एलिमिनेशन है. उसमें सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस याद रखने हैं, नॉट मोर देन दैट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो उस पेज पे, बॉटम ऑफ द पेज पे, मैंने ना कुछ रेड में एक टेबल बनाया हुआ है. जरा दिख रहा है सभी को? रेड में आई हैव ड्रॉन वन टेबल. Done. So, Zedzev और Zedzev जिस पेज पे है उसी पेज पे बॉटम में देखो, मैंने बेस लिखा है, फिर मैंने लिखा है परसेंटेज. उसमें जो मैंने परसेंटेज दिया है, ओके, इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, तुमको ये बताने के लिए कि कौन कौन से सिचुएशन में मतलब मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कैसा सिचुएशन क्या होगा जहां मेजर प्रोडक्ट बनेगा. क्लियर हुआ. लुक एट दैट पेज केयरफुली. सबसे पहला बेस एक हल्का फुल्का बेस है जो है इथॉक्साइड. दिख रहा है? मिथाइल, फिर 1 कार्बन एंड ओ माइनस. दिख रहा है? यस और नो. उसमें सेडजे प्रोडक्ट इज 80%. ओके, क्लियर. नाउ सेकंड केस, जैसे जैसे बेस का बल्किनेस बढ़ाते जा रहा हूं, वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ हॉफमैन बढ़ रहा है. क्लियर हुआ? मेरी बात सुनो क्या है. जस्ट होल्ड ऑन. सो मैं एज अ बेस, श्रिया कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? मैं एज अ बेस, मुझे मेरे एच से मतलब है. आई एम एक्सप्लेनिंग दैट पार्ट या मैं लाइक आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल. सपोज हाँ, परसेंटेज को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ श्रेया. मैं फिर से ध्यान से सुनो. यू ऑर्डर समथिंग लाइक ऑनलाइन स्विगी वगैरह पे, तुम कुछ तो तुमने ऑर्डर कर दिया. लेट्स टेक एन एग्जांपल, कुछ तो ऑर्डर किया तुमने. अब वो तुम वो ऑर्डर में, मतलब वो बंदा खाना लेके आ गया, तुमको खाने में ज्यादा इंटरेस्ट है या वो बंदे की बकवास बातों में ज्यादा इंटरेस्ट है? बिल्कुल नहीं, तुम्हें खाने में ज्यादा इंटरेस्ट है ना. यू आर फोकसिंग ऑन फूड. तो तुम उसको टिप वगैरह देना है या मतलब जो भी है, वो बंदा अपने रास्ते चला गया. दैट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन. तो इट्स लाइक बेस का एकदम सिंपल एटीट्यूड है. भाई मैंने पैसे दिए हैं, मुझे मेरा एच चाहिए, बात खत्म. अभी वो एच तुम उसको बेस को बोलेगा, नहीं थोड़ी देर वेट करो, नहीं तुम ये वाला हाइड्रोजन ले लो. बेस बोलेगा मैं क्यों मेरा एफर्ट लगाऊं एच को निकालने के लिए, मुझे जो मर्जी वो एच ले लूंगा. मुझे एच निकालना, ये मेरा रिक्वायरमेंट है. एच कहीं से भी निकालो. तो तुम देखो, हाँ मेरे स्पीड मतलब रेट को फर्क ना पड़े,
और तब तुम मुझे बोलोगे कि हाँ सर प्लीज बेस सर ये वाला एच निकालो, उससे मेरे मेरी मेहनत पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं ऑफकोर्स मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन दैट केस, तो मैं जो भी तुम एच बोल दोगे वो मैं निकाल लूंगा। लेकिन अगर तुम मुझे ये बोलोगे कि नहीं नहीं जिससे मेरे रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ जाएगा, मैं फिर वो नहीं कर सकता। मेरी बात ये बार बार म्यूट क्यों हो रहा है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल या आई डोंट नो इवन आई सॉ जस्ट आई सॉ कि म्यूट हो गया है। चलो नाउ टेल मी वन थिंग अगर सपोज मेरा फ्रेंड है, बोलेगा यार कहाँ जा रहा है, तो मैं बोलूंगा यार मैं तो ना बांद्रा जा रहा हूँ। तो बोलेगा एक काम करना यार, मेरे को ना बांद्रा से ये चाहिए, तू लेके आ जाएगा, ऑन द वे ही है, तू जब आएगा ना तो ये शॉप तेरे रास्ते में पड़ता है, तू ले ले। मैं बोलूंगा ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रास्ते में ही तो मैं ले लूंगा। आई एम बिहेविंग लाइक अ बेस, हाउ बेस थिंग, उसकी बात समझो। तो वो फिर बाद में बोलेगा एक काम करना यार बांद्रा जा रहा है ना, तो वहां से अंधेरी चले जाना, मेरा ये सामान लेके आने का। मैं बोला पागल हो गया क्या, बांद्रा किधर अंधेरी किधर, मैं इतना एफर्ट तेरे लिए काय को लेगा, मैं मेरे काम से जा रहा है, मैं मेरा काम करके आ जाएगा। हाँ अगर रास्ते में होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, तू भाई तू मेरे को यहाँ पे मेरा पेट्रोल मेरा टाइम वेस्ट करने मत बोल। अंडरस्टूड, इट्स वेरी सिंपल, बी प्रोफेशनल कि हाँ भाई नहीं होगा नहीं होगा, बात खत्म। अब जब ऐसा क्या हो गया कि तुम जब बेस एकदम बल्की बल्की बना रहा है तो हॉफमैन क्यों डोमिनेटिंग था? अच्छा लेट मी रिकलेक्ट, सेडजेस मतलब उस बीटा कार्बन से एच निकाला जिसके पास नंबर ऑफ एच कम है, उस बीटा कार्बन से वो सेडजेस, और हॉफमैन मतलब उस बीटा कार्बन से एच निकाला जिसके पास नंबर ऑफ एच ज्यादा है। इज दैट क्लियर? यस और नो? यस और नो? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देयर इज एग्जाम्पल CH3 CHBr CH CH3 and CH3। Okay? तो तुम यहां पे दो चीजें नोटिस करो, ये रहा बीटा कार्बन, ये रहा बीटा कार्बन, ओके, और ये रहा अल्फा, और यहां पर ये रहा बेस जो अटैक करेगा, दिस बिकम्स अ बल्की बेस, हाँ या ना? ये ब्लू वाला बल्की बेस है या नहीं? कम ऑन थिंक एंड टेल मी फास्ट, थिंक एंड टेल मी है। तो अब इस बेस को क्या चाहिए? उसको हाइड्रोजन निकालना है, बराबर, उसको हाइड्रोजन निकालना है। चलो आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल पैरेलल टू दिस, मैं यहां पर एकदम छोटा बेस ले रहा हूं, करेक्ट? तो ये मॉलिक्यूल ने इस बेस को क्या रिक्वेस्ट किया? बोला सर 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 प्लीज आपको एच चाहिए ना, देखो आप एक काम करो ना, ये वाले बीटा कार्बन से एच निकालो, ये वाले से। तो ये बोल रहा है ठीक है मेरे रेट में मेरे स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे एच चाहिए, एच मिलना चाहिए मुझे, बात खत्म। तुम फिर वो हिसाब से मुझे कहीं से भी एच निकालने बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट? दैट्स फाइन, राइट? इट्स गुड डील, करेक्ट? मिथॉक्सी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इफ इट इज ऑन हिज वे, इफ इट्स लाइक उसके ही पाथ पे है अगर वो, तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यानी दिस विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड सी CH3 CH2। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, यहां पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? देखो CH2 CH CH CH3 CH3। यहां पर भी तुमने बेस से रिक्वेस्ट किया कि सर 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 प्लीज
सर यहां से एच लेके जाओ ना सर प्लीज, लेकिन ये बेस ने तभी भी ये वाला एच क्यों निकाला? थिंक अबाउट इट यहां पर ये बहुत ही बल्की बेस है, बहुत बल्की बेस है। इसको तुमने वापस रिक्वेस्ट किया कि सर उस कार्बन से एच निकालो जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन की काउंट कम है, तो ये तभी भी उसने यहां से क्यों निकाला? Think what it will be. Product देखो क्या मिलेगा. या मुझे एक बात बताओ, ये बल्की वाला बेस क्यों एफर्ट लेगा? वो क्यों एफर्ट लेगा? मेरी बात एकदम, इतना बड़ा बेस उसको ये बिना गर्दी के बिना झंझट के उसे मिल रहा है, बिना कोई एफर्ट के यहां से एच आसानी से मिल रहा है। ओके, तो ये बल्की बेस यहां आ ही नहीं सकता। आई गिव यू सिंपल एग्जाम्पल, लेट्स से तुम्हारा जो बिल्डिंग है ओके या घर जो है वो एक पतले से लेन को क्रॉस करने के बाद आता है। ओके या जयन, एकदम सेम एग्जांपल, ठीक है, पतले से लेन को क्रॉस करने के। तो अगर मान लो तुम्हें प्लेस ए से प्लेस बी पे जाना है, मतलब रिलोकेट होना है, पूरा सामान ही शिफ्टिंग करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? सामान शिफ्टिंग करने के लिए बड़ा ट्रक लेके आएंगे सो दैट घर का सारा सामान उसमें लोड करो और लेके जाओ। ओके, अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है अभी इधर। लेकिन यहां पर वो लेन में ट्रक आ ही नहीं सकता क्योंकि पूरा कंजस्टेड है ना, पाथ बहुत कम है। श्रिया, मैं वही रिएक्शन रिपीट कर रहा हूं इतनी देर से, श्रिया मैं अलग कुछ सिखा ही नहीं रहा हूं। सो वो लेन के बाहर ही खड़ा रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, लेन के बाहर ही खड़ा रहेगा वो, क्योंकि उस हिसाब से अपना उसको जो कन्वीनियंट है वो उस हिसाब से अपने रिएक्शन को अरेंज करके रखेगा। मेरी बात समझ में आई। बेस बिल्कुल भी मेहनत नहीं करेगा। मेरी बात क्लियर हुई? बेस को उसके हाइड्रोजन से मतलब है, उसको तुम्हारे प्रोडक्ट से अल्कीन से कोई लेना देना नहीं है। इट्स वेरी सिंपल एग्जाम्पल, उसको तुम्हारे बने हुए प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं। एम आई क्लियर? यस और नो। तो अभी तुम जब देखोगे तो यहां पर ये सेडजेफ प्रोडक्ट बन रहा है और ये हॉफमैन प्रोडक्ट, यानी जब बेस बहुत छोटा है तो 85-90% सेडजेफ प्रोडक्ट बनता है। सबसे कन्वीनियंट रास्ता, बेस बोलेगा ठीक है मैं, ये छोटा सा बेस है, बोलेगा ठीक है, मतलब इट्स लाइक मैं उसी लेन में तुम्हारे बिल्डिंग के अगर साइकिल से जाना होगा तो आई कैन इजीली कम टू योर हाउस, यस और नो? बहुत आराम से आ सकता हूं क्योंकि आने वाला ग्रुप इज साइकिल, स्मॉल, इजीली एंटर करेगा। लेकिन अगर बल्की ग्रुप हुआ, ट्रक हुआ, तो वो अंदर नहीं आ सकता, वो बाहर, उसको जो भी जगह मिलेगा पार्किंग के लिए वो बाहर खड़ा कर देगा। इज दैट क्लियर? यस और नो? Understood the point. तो ये समझ में आ गया क्या कि जब बेस बल्की होगा तो 80% और जब बेस स्मॉलर है तो सेडजेफ 80% क्यों आया? आया ना? सो इट्स टेकिंग द आउटर मोस्ट एच, इसमें हॉफमैन विल बी द मेजर प्रोडक्ट और इसमें सेडजेव विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर?
ऋतुजा कार्बन इसलिए बेस को राइट वाला एच लेके जाने की कोशिश मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है क्योंकि फिर वो स्टेबल अल्किन बनेगा ना बेटा, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी ना। ZZF और ZZF दोनों सेम ही नाम है भाई, ZZF अजीब है मतलब सेव सही नाम है ना, सेव पूरी वाला सेव। ठीक है चलो, बहुत दिन हो गया यार खाया नहीं वो गंदे गंदे प्यारे प्यारे हाथों वाला पानी पूरी, जस्ट मिसिंग इट। और अभी तो बारिश भी शुरू हो गई ना। जयान तू भूखा ही आता है बेटा लेक्चर में, मतलब तू क्यों आया लेक्चर में ऐसे समझ में नहीं आता, समझ में मतलब खाने पीने के लिए आता है। ओह दैट्स नॉट कॉल्ड अनहाइजीनिक फूड भाई, हेट ऐसे बोल रहे हो बेटा जैसे कभी पानी पूरी और शेव पूरी या पाव भाजी खाया ही नहीं। या और वो भी बारिश में तो भाई भाई माशाल्लाह भाई बहुत अच्छा होता है। तुम लोग ट्राई मतलब यहाँ पे बोरिवली में ना जो ऑथेंटिक एंड टेस्टी, यस यस, इसलिए तो मैं उसको बोलता हूँ कि गंदे गंदे प्यारे प्यारे हाथों से बनाया हुआ। अभी आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, पाव भाजी जब बनाते हैं तो वो जो बनाने वाला बंदा होता है ना वो ऐसा टेबल पे खड़ा होता है, ऐसा टेबल पे खड़ा रहेगा और ऐसा वो पैन से वो स्मैशर यूज करके पाव भाजी को स्मैश करते रहता है। ओके हाँ, तो देखो हाउ ग्रेविटी इज वर्किंग और फिजिक्स का एंगल। आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्लेन कि खाने में नमक, देश का नमक, आदमी का नॉमनक्लेचर करो, जाने दो भाई, तुम पाव भाजी पे ध्यान दो, पाव भाजी इतना अच्छा होता है भाई। NLM inclined, yes. हाँ सीक्रेट मसाला, यस यस, बट ज्यादा मतलब वो पेटेंट है भाई, उसको मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता वरना हर एक कोई। देखो श्रावणी ने कल ही खाया, देखो पाव भाजी कल ही खाया। अच्छा होममेड रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ज्ञान कोई बात नहीं बेटा, वो होते रहता है मतलब ऐसे। एंड व्हेन यू सी द वन हु इज मेकिंग ना, सो सच्ची मतलब हाँ ऑफ कोर्स मॉम ने बनाया था तो इट्स फाइन। चलो हो गया ZZF Hoffman हो गया, देखो इट विल बी योर कॉल हाँ, जहां पे ZZF Hoffman एग्जाम में तुमको बोलेंगे नहीं पहचान कोड। ओके जस्ट टर्न द पेज, नाउ वी आर ऑन द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं ZZF वर्सेस Hoffman। हीरसन पता है, हीरसन कौन है, हीरसन ये देखो, ये दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक, पीपल कम इन द लेक्चर काउंट 214 तक लेके जाते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं। अब मेन सेक्शन है, अभी गायब हो जाएंगे, फिर देन दे विल कम एंड आस्क मी द डाउट, इट्स यूजलेस यू नो। बाकी जो अटेंड करता है डाउट मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लेक्चर अटेंड करो डाउट पूछो कोई दिक्कत नहीं। पानी पूरी खाने गए होंगे, हो सकता है गोलगप्पे, हाँ लॉस है बट लाइक इट डजंट लुक गुड ना। चलो कोई बात नहीं, ब्रेक देने के बाद तो आधे लोग एंजॉय करके जाते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं हाँ हमारा लेक्चर तो इतनी देर का ही था। हाँ बराबर, यही खाओ चिकन फ्राइड मोमोज, बराबर, गंदगी तो हर जगह है बेटा।
ऑफकोर्स ऋषिकेश, ऑफकोर्स उसी लिए तो बड़ी शिद्दत से हम पढ़ाने की कोशिश करते बेटा। चलो अब ये जो पेज मैं बताने जा रहा हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। ये पेज हो गया, तुमको समझ में आ गया, फिनिश। आयुष बांद्रा में क्या है बेटा? बांद्रा तो अपना आना जाना होते रहता है बेटा, बोलना बांद्रा में क्या है। चलो द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टू पॉइंट्स आर द सेम। अच्छा पक्का आएंगे फिर तो, तू लोकेशन बता ना सुपर पाव भाजी का। ओके ग्रेविटी वाला पाव भाजी तो नहीं है ना, लाइक एनएलएम इंक्लाइन। नहीं साहिल मैं औरंगाबाद में कहाँ रहूंगा यार, गरीब को कोई कोई जगह ही नहीं देता कोई सिटी में, या वहां भटकते रहते हैं। चलो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट एकदम सेम है। या नहीं नहीं आज रेजोनेंस हुआ है ना बोर्ड का, तो लोकेशन गैस कर सकते हो। डेंजरस इनैंशियमर ऑफ पाव भाजी। श्रेया व्हाट वाज दिस डेंजरस इनैंशियमर ऑफ पाव भाजी? अनहाइजीनिक वन, या दैट्स ट्रू बट यू नो आई डोंट नो, मतलब उनके हाथों में कमाल ही अजीब होती है, घर पे वैसे बनता ही नहीं है और बाहर खाने का मन कभी उबता नहीं है। ओके या इट इज सुपरमैन वर्सेस बैटमैन, सेजेव वर्सेस हॉफमैन, एंड यू नो अपना ये व्हाट वाज दैट नाम भूल गया यार मैं, डीसी का था ना, क्या कौन सा था ये अभी आया था, जू बीच में, ये सब ग्रेविटी वाले ही है, मतलब वो लोग सीधा बोल भी सकते हैं, जो भी कुछ बेचते हैं ना जू में वो लोग लिख सकते हैं उधर, ये हमारे खून पसीने की कमाई है। शज़ाम नहीं, अरे डीसी का था ना सारे, जस्टिस लीग में सबसे बेस्ट क्या था, इंसल्ट ऑफ फ्लैश, ठीक है, जब सुपरमैन उसको क्रॉस करता है, फ्लैश को एकदम भारी इंसल्ट किया था, मतलब अलग लेवल का इंसल्ट था, एपिक सीन, एपिक था वो, एपिक। चलो गजब बेइज्जती ऑफ फ्लैश। या श्रावणी मोर ऑफ मार्वल एंड लाइक डीसी ऑल्सो, बट लाइक मार्वल इज इट्स रिजियो सिलेक्टिव, मार्वल इज 70% एंड डीसी इज 30%, रिजियो सिलेक्टिव, मार्वल इज हायर देन डीसी। या फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर चालू है सुपरमैन के रिवाइवल के बाद। यस। चलो हम लोग टॉपिक करते हैं, सुपरमैन वर्सेस बैटमैन, मतलब सेजेफ वर्सेस हॉफमैन। हाँ भाई लोकी वगैरह हम नहीं खाते भाई, अजीब पिक्चर का नाम है लोकी। अरे लोकी तो हमारे यहाँ सब्जी होती है भाई, और वो लोग पिक्चर बनाते, इट्स लोकी सर नॉट लोकी, यू इंडियंस व्हाट टू से लाइक लोकी सीरियसली। अथर्व पक्का असीम से आज ही लौकी का। अरे इट्स नॉट दैट लौकी, इट्स लौकी मार्वल वाला लौकी। थॉर का चचेरा भाई। थॉर का चचेरा भाई। ठीक है चलो बैक टू द डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द पॉइंट कि
इस रिएक्शन में स्टेडजर की जगह, मतलब फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि हॉफमैन कब डोमिनेटिंग होगा, तो जब अपना रिएक्टेंट इटसेल्फ इज बल्की. प्लीज फोकस ऑन द एग्जांपल लाइन बाय लाइन, फोकस ऑन द एग्जांपल लाइन बाय लाइन. रिएक्टेंट इटसेल्फ इज बल्की, तुम्हारा अटैकिंग बेस अगर हल्का फुल्का है और रिएक्टेंट ही बल्की है, ये जो सबस्ट्रेट है वही अगर बल्की है, तो इवन हियर क्या होगा, हॉफमैन विल बी डोमिनेटिंग ओवर स्टेडजर. ठीक है, सो देखो जरा पहला दोनों एग्जाम्पल गो थ्रू करो फास्ट, जल्दी फर्स्ट टू एग्जाम्पल्स गो थ्रू करो. क्या एग्जाम्पल रीड करके हो गया बच्चों, एग्जाम्पल रीड करके हो गया, यहाँ क्रिकेट चालू है, यस जैन इवनिंग में किड्स कम एंड दे प्ले, उन सबको क्या बोलते पानी पूरी खिलाने ले जाऊंगा तो अपने आप शांत हो जाएंगे. चलो जल्दी. पहला सेट ऑफ एग्जाम्पल रीड करो. अपना अटैकिंग बेस, मतलब मैंने बेस भी बल्की लिया है, ठीक है, बेस भी बल्की लिया है, ओके, मैंने बेस भी बल्की लिया है. पेज नंबर क्या है अप्रोक्सीमेटली, कुछ ऐसा पेज दिख रहा होगा, सी दिस वन 76 77 आसपास ऐसा कुछ पेज नंबर दिख रहा होगा, पेज 76 या टू पेज 76 मिला पेज 76. इवन द बेस बल्कि उन्होंने बेस ये लिया है सी ओ माइनस सी सी एच थ्री थ्राइस, डन. डन. आयुष तू चला ही जा बेटा, ओके आते हैं. हाँ आरएम का क्वेश्चन चालू करना, चालू कर दो. ई टू अभी ये हो जाएगा, ईवन तुरंत खत्म हो जाएगा, अभी आरएम में कुछ बचा नहीं है, इस जस्ट मतलब हाफ एन आवर का मोर टॉपिक है, खत्म हो जाएगा. ओके ई टू एलिमिनेशन, अरे चार्जिंग को लगा ना भाई, चार्जिंग को लगा, वायर नहीं है. सेकंड केस, पॉइंट नंबर टू, आई थिंक इट्स पॉइंट नंबर थ्री एक्चुअली, उसको जरा ध्यान से देखो. पॉइंट नंबर थ्री, ओके पॉइंट नंबर थ्री ध्यान से देखना. यहां पर बेस आया. अच्छा मुझे एक बात बताओ, इफ ट्रबल कम्स ऑन योर फैमिली सपोज, तो तुम दोस्ती निभाओगे या फैमिली बचाओगे?
ऑफ कोर्स फैमिली ना, तुम क्या करोगे फैमिली, उधर दोस्ती नहीं ये करेंगे, फैमिली को बचाएंगे, ठीक है। सो यहां पर क्या होगा, कार्बन और फ्लोरीन की दोस्ती अच्छी है, क्यों, तुम्हें पता है पीके 3.2 है फ्लोरीन का, मैं पीके की भाषा में बार बार बात कर रहा हूं सो दैट पीके सुन सुन के तुमको वैल्यू याद हो जाए। तो फ्लोरीन 3.2 समथिंग है पॉजिटिव, हैलोजन में यही अकेला पॉजिटिव है, तो ही इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप बिकॉज, यस दैट्स करेक्ट, बिकॉज ऑफ सिमिलर ऑर्बिटल साइज। तो बेस आया, बेस आया, आजू बाजू वाले कार्बन, ये CH2 वाला बोल रहा है इसको, अरे भाई कार्बन को निकाल, कार्बन को निकाल, बेस आने वाला है, H यहाँ से चला जाएगा, हम अपने को CHF प्रोडक्ट मिलेगा। तो कार्बन बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, फ्लोरीन मेरा दोस्त है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, फ्लोरीन मेरा दोस्त है, मैं उससे नहीं छोड़ूंगा, ऐसा, ओके, फ्लोरीन मेरा दोस्त है। तो ये दोनों कार्बन लेफ्ट और राइट वाले परेशान है, स्पेशली राइट वाला कार्बन परेशान है, बोलता है अगर ये फ्लोरीन नहीं जाएगा तो डबल बॉन्ड, इट शुड बी अ गुड लिविंग ग्रुप ना, एलिमिनेशन करने के लिए ग्रुप क्या होना चाहिए, इट शुड बी अ गुड लिविंग, एक सेकेंड ना, आई जस्ट, हाँ साहिल एकदम एकदम परफेक्ट बोला। सो इन दैट केस अब OCH3 आ गया, ओके, OCH3 को उनके उनकी दोस्ती यारी से मतलब है OCH3 को, या OCH3 को सिर्फ हाइड्रोजन से मतलब है, कम ऑन, OCH3 को किससे मतलब है, सिर्फ हाइड्रोजन से मतलब है, ऑब्वियसली किससे मतलब है, उसे सिर्फ हाइड्रोजन से मतलब है, सिर्फ हाइड्रोजन। तो अगर मान लो वो राइट साइड वाले बीटा एच को निकालता है, फ्लोरीन को जाने से रहा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, फ्लोरीन जाने से रहा, फ्लोरीन नहीं जा रहा है, सेम ऑर्बिटल साइज, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज गुड, सेम ऑर्बिटल साइज, तो फ्लोरीन तो जाने से रहा, करेक्ट, फ्लोरीन तो जाने से रहा पहले स्टेप में, तो यहां क्या होगा, फ्लोरीन CH माइनस CH2 CH3, ओके, और अगर वो लेफ्ट वाले से निकालता है तो ये बनेगा CH2 माइनस F, ऐसा, फ्लोरीन नहीं गया, मेरी बात सुनो, यहां पर OCH3 अटैकिंग बेस जो है वो यहां पे तुम्हारे हिसाब से घूमने नहीं आया है भाई, उसको उसके H से मतलब है, बात खत्म, उसको उसके हाइड्रोजन से मतलब है, बात खत्म, एकदम सिंपल, मतलब है, दैट्स ऑल, एम आई क्लियर। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर वो राइट वाले से निकालता है तो 2 डिग्री कार्बन आयन बनेगा, यहाँ चार्ज आ रहा है, मैं वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे चार्ज आ रहा है, एच प्लस निकल रहा है, एच प्लस, जो एच प्लस देते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, जो एच प्लस देते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, एसिड, करेक्ट, जो H प्लस देते हैं हम उनको एसिड बोलते हैं, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, और जो जो H प्लस देने के बाद जो बनता है नेगेटिव उसको क्या बोलते हैं हम, H प्लस देने के बाद जो नेगेटिव बनता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस, कार्बन है, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्जुगेट बेस, नाम याद रखना, नाम याद रखना, इसके पीछे कुछ वो मैं बाद में बताऊंगा, ओके ओके, वो मैं बाद में बताऊंगा, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या चार्ज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बन रहा है, क्या बन रहा है, नेगेटिव चार्ज बन रहा है, ये एसिडिक बिहेव कर रहा है, ये एसिडिक बिहेव कर रहा है, ये एसिडिक बिहेव कर रहा है, बन रहा है कॉन्जुगेट बेस, बन रहा है कॉन्जुगेट बेस, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज है, कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन है, नीचे वाला या ऊपर वाला, आई मीन लेफ्ट वाला या राइट वाला, कौन सा कार्बन आयन बेटर है, लेफ्ट या राइट, ऑब्वियसली लेफ्ट वाला, ऑब्वियसली लेफ्ट वाला, और तुम इसके बाद ये कार्बन मतलब फैमिली है भाई, ये लोग फ्लोरीन बाहर वाला आदमी, तो कार्बन ये बाजू वाले कार्बन को बोलता है भाई अब तो तू फ्लोरीन का साथ छोड़ दे,
हम लोग ऑलरेडी नेगेटिव हो चुके हैं, फैमिली स्टेबल करना है, अब तो फ्लोरीन का साथ छोड़ दे, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। नेगेटिव आने के बाद फ्लोरीन का जाना होता है एंड यू गेट अ सेडजेफ प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको? सेडजेफ प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको? सेडजेफ प्रोडक्ट। ओके, क्यों? अरे नेगेटिव चार्ज को स्टेबल होना है ना, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। दिस इज 2 डिग्री कार्बन आयन विच इज अनस्टेबल एंड दिस इज 1 डिग्री कार्बन आयन विच इज सपोज टू बी स्टेबल। 1 डिग्री कार्बन आयन विच इज सपोज टू बी स्टेबल। श्रेया, ये जीओसी का पॉइंट है। मैं तुमको अगर प्राइमरी कार्बन आयन दे रहा हूं, प्राइमरी कार्बन आयन, और मैं तुमको सेकेंडरी कार्बन आयन दे रहा हूं, श्रिया अंडरस्टैंड दिस पार्ट, तो सेकेंडरी वाले के पास तुम्हें नहीं लगता इंडक्टिव इफेक्ट के कारण देयर विल बी मोर रिपल्शन? हाँ, ओके, गुड गुड। सो सभी को समझा, फ्लोरीन इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है? तो इन दैट केस इस स्टेप में कॉन्जुगेट बेस बनेगा, कॉन्जुगेट बेस कार्बन आयन बनेगा। तो कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है? अभी ये कार्बन को पता है कि भाई अब तो नेगेटिव चार्ज ही आने वाला है, तो वो लोग बेस को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज यहां से मत निकालो, बिकॉज वी वोंट बी एबल टू हैंडल द चार्ज, प्लीज लेफ्ट वाले से निकालो, यहां से। एटलीस्ट नेगेटिव चार्ज आना तो बुरी बात ही है, लेकिन वो बोलेगा एटलीस्ट उसका इम्पैक्ट कम होगा सर, तो प्लीज वहां से मत निकालो। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, यू अंडरस्टूड द पॉइंट? वो लोग बेस को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर लेफ्ट वाले से निकालो, बिकॉज Hoffman ही है। See, you got Hoffman product. अच्छा, मैंने गलती से सेडजेफ लिख दिया, I'm sorry, ये Hoffman product है। Hoffman product, हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से सिचुएशन में Hoffman major product होगा। हम लोग कर रहे हैं कौन कौन से सिचुएशन में Hoffman major product होगा। Is that clear? समझ में आ बच्चा लोग? हाँ या ना? Everybody understood? Carbon ion की कहानी समझो बच्चों। मैं F minus किसी के साथ चला जाएगा, don't worry about it। F minus ये किसी के साथ आया था ना, कोई तो K होगा ना इधर, K plus F minus निकल के वो KF बन जाएगा। F minus कहाँ जा रहा है उसके बारे में चिंता मत करो, ठीक है? क्लियर हो गया? अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे, पॉइंट नंबर फोर। हाँ, पॉइंट नंबर फोर, सभी लोग पॉइंट नंबर फोर पे आ जाओ, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। चलो मुझे एक बात बताओ, इफ गिवन अ चॉइस बिटवीन रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, तुम किसको सिलेक्ट करोगे? इफ गिवन अ चॉइस बिटवीन रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, वेरी सिंपल, given a choice between resonance and hyperconjugation, Rishikesh hyperconjugation select karoge? Resonance, obviously resonance select karenge bhai, hyperconjugation ka koi scope hi nahi hai, rejo, yes, Rajo bol raha hai ki kya bol raha hai? Double bond, ye ho gaya iodine, good living group iodine, then we have CH3 and let's say hydrogen, तो ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया बीटा, यहां पर दो हाइड्रोजन और यहां पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है? चलो अभी सोचो, अगर राइट वाले बीटा हाइड्रोजन से तुम H निकाल के डबल बॉन्ड बनाओगे, राइट वाले से, तो तुमको प्रोडक्ट मिलेगा डबल बॉन्ड CH3 CH3, टोटल 8 अल्फा H, मतलब तुमको यहां का भी दो हाइड्रोजन और इधर के तीन, टोटल 6, तो टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन, बराबर। लेकिन अगर तुम लेफ्ट वाला सिलेक्ट करता है, जिससे फायदा क्या हो रहा है, दैट यू आर गोइंग टू टेल मी।
यहां पर अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन गिनूं तो सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन, करेक्ट करेक्ट, लेकिन लेकिन व्हाट इज स्पेशल हियर, रेजोनेंस। तो अब मुझे बताओ ज्यादा हाइड्रोजन वाले से निकाला या कम हाइड्रोजन वाले से निकाला? कमन कमन, ज्यादा वाले से निकाला या कम वाले से? ध्यान बी केयरफुल बेटा, क्या आंसर दे रहे हो, आंख खोल के सोच के अच्छे से आंसर दो। मोर वाले से निकाला, मोर वाले से निकाला मतलब क्या होगा ऋषिकेश? रॉन्ग बेटा, लेस वाला क्या बोल रहा है, दो दो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, वहां से निकाला तो रेजोनेंस मिलता है, एक हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन मिलता है, तो रेजोनेंस विल बी प्रिफर्ड ना, हॉफमैन है ना ये, तो ऋषिकेश अंडरस्टूड, ऋषिकेश अंडरस्टूड, सो जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां से निकालने पे हमें हॉफमैन प्रोडक्ट मिला विच इज मेजर प्रोडक्ट, सेडजेव विल बी माइनर। देयर आर दीज आर सिचुएशन जहां पर हॉफमैन मेजर होगा और सेडजेव माइनर होगा, हॉफमैन मेजर होगा और सेडजेव माइनर होगा। एम आई क्लियर? तुमको वो सारे एग्जाम्पल्स देखने होंगे। पॉइंट नंबर फाइव पे आ जाओ, फोर तक हो गया, दिस इज फोर्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर फाइव। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ सेडजेव एलिमिनेशन इज स्टेरिकली हिंडर्ड, we have CH2 methyl iodine methyl, okay, दिख रहा है अभी यहां पर, अगर मैं डबल बॉन्ड मतलब आयोडीन निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और मुझे दो प्रोडक्ट मिलेगा, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, CH2 एंड मिथाइल। ये डबल बॉन्ड हिंडर्ड कम है, लेकिन अगर मैं यहां से हाइड्रोजन निकालता हूं, फर्क देखो क्या है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, डबल बॉन्ड C, अंडरस्टूड अंडरस्टूड, ये हिंडर्ड है, हिंडर्ड डबल बॉन्ड, अंडरस्टूड, माइनर प्रोडक्ट। व्हेन द प्रोडक्ट इज सेडजेव प्रोडक्ट इज स्टेरिकली हिंडर्ड, बल्किनेस के कारण, बल्किनेस के कारण हिंडर्ड है, तो इसलिए वो क्या करेगा, ये हॉफमैन प्रोडक्ट बनाएगा, हिंडर्ड नहीं। हिंडर्ड मीन्स क्राउडेड श्रिया, बल्किनेस ज्यादा होना मतलब हिंडर्ड। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ का जो कार्बन का जो हाइड्रोजन है ना उसके साथ वो रिपल्शन करेगा, यहाँ के कार्बन के साथ, यहाँ के हाइड्रोजन के साथ रिपल्शन करेगा। तो तुमको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए क्या जहां पे रिपल्शन होता रहेगा? हाँ, कंप्रेस्ड रिपल्शन, मतलब स्टेरिकली कंप्रेस्ड, एकदम कंजस्टेड हो जाना, स्टेरिकली कंप्रेस्ड मतलब कंजस्टेड हो जाना, मीनिंग समझा? करेक्ट, तो अपने को ऐसा भी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, दैट इज पॉइंट नंबर फाइव। पॉइंट नंबर सिक्स पे आते हैं, यू आर गोइंग टू शो दिस, ये मैंने पहले भी बताया था, यू आर गोइंग टू ट्राई सॉल्विंग दिस। व्हाट इज योर ओपिनियन, तुम्हें सिंगल स्टेज रिएक्शन पसंद है या मल्टी स्टेज रिएक्शन पसंद है? हॉफमैन दूर था ना, हॉफमैन ऐसा था, डबल बॉन्ड सी एच एच सी एच
और ये वाला ग्रुप इधर था CH2 C मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो जो मेन बल्की ग्रुप है वो डबल बॉन्ड से दूर है, इसलिए हॉफमैन मेजर था। अच्छा, या ऋषिकेश, या सो इन दिस केस क्या होगा, लास्ट वाला पार्ट, इसके बाद सिर्फ अपना इवन सीबी बचेगा, इवन और इवन सीबी दोनों, फिर उसके बाद हम लोग मतलब ब्रेक ना लेके हम 15-20 मिनट में टॉपिक खत्म कर सकते हैं, ठीक है? सो व्हाट इज योर ओपिनियन, ब्रेक दे दूं 15 मिनट और 15-20 मिनट पढ़ाओ कर दे, या एकदम फ्लो में हो जाएगा। E1 और E2 तो काफी सिंपल है। नाउ लिसन केयरफुली, ये वाला रिएक्शन करो, देयर इज ब्रोमीन हियर, CH3 हाइड्रोजन 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 टू दिस वन फास्ट, हाँ कोमल कंटिन्यू, ये रिजल्ट आया, दिस इज बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन, अब तुम बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा, राइट वाले तो फिर ZF बनेगा, लेफ्ट वाले में दो तो हॉफमैन बनेगा, कमन 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 जल्दी जल्दी, एक सेकेंड होल्ड करो, होल्ड करो, चलो कोई कोई गैस करेगा कौन सा हाइड्रोजन निकलना चाहिए, जस्ट मतलब यू माइट मिस समथिंग, लेफ्ट वाला या राइट वाला, हेट इज सेइंग लेफ्ट वाला, प्रणव इज सेइंग राइट वाला, तुहीन इज सेइंग लेफ्ट वाला, राइट, हिमांशु ऋतुजा बोथ आर सेइंग राइट, जयान लेफ्ट एंड अश्वत राइट, नागसेन राइट, अश्वत राइट, मीत राइट, मोहम्मद जैद लेफ्ट। अच्छा डिड यू पीपल एवर नोटिस, एक मिनट थांबा जरा, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, रुको वेट एक कभी नोटिस किया है तुमने, एक वर्ड ही तुम भूल रहे हो, BR और H अगर निकालना होगा तो इट शुड बी एंटी पेरिप्लेनर और स्पिन पेरिप्लेनर, सिंगल स्टेज में ना बिना चार्ज के, तो एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए। यहां पर बीटा हाइड्रोजन जो है ग्रीन वाला, ये दिस इज स्पिन पेरिप्लेनर एंड यहां पर ये हाइड्रोजन और BR एंटी पेरिप्लेनर, क्या करेंगे, व्हाट इज बेटर, व्हाट इज बेटर, ऑफ कोर्स लेफ्ट वाला, तो यहां पे प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर, द रीजन आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। इवन में कोई चार्ज आएगा या नहीं आएगा, जल्दी एक नेक्स्ट पेज पे कैंसिल किया है, उसके बाद वो वाला पेज हटा देना, डायरेक्ट इवन एलिमिनेशन पे आओ, तीन पेज के आगे वहां पर इवन एलिमिनेशन दिया हुआ है, इवन एलिमिनेशन दिया हुआ है, ओके, दो तीन पेज के बाद इवन एलिमिनेशन दिया हुआ है, दिखा सभी को, मैं तुमको इवन सी भी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तुम्हारे ध्यान में भी नहीं आया बट ठीक है, यानी इवन एलिमिनेशन बचा है, इवन एलिमिनेशन खत्म कर देते हैं,
Yeah. Even is multi, yeah, page 82, yes. मुझे बताओ, even elimination मतलब single stage या multi stage? What is your guess? Come on. Of course, multi stage. E1, SN1 याद करो. SN1 सिंगल स्टेज था या मल्टी स्टेज था? रिमेम्बर. So, अगर तुम्हारा अटैकिंग बेस अगर वीक हो तो अटैकिंग बेस अगर वीक हो तो तुम्हारा रिएक्शन पक्का एलिमिनेशन करने वाला है. CH3 CCH3 H CH BR dash CH3 और तुम्हारा बेस नहीं मतलब मैं उसको NU लिख देता हूं मतलब पुअर बेस. NU मतलब न्यूक्लियोफाइल. ओके गाइस समझ में आया? यानी ये जो बेस है ये इसमें इतना पावर नहीं है कि वो एक सेकेंड होल्ड करो. या वी आर डूइंग E1 मैकेनिज्म. तो अब ब्रोमीन पहले निकलेगा क्योंकि बेस कुछ नहीं कर सकता. E1 मतलब किसी एक पे रिएक्शन डिपेंडेंट है. किस पे? इस पे डिपेंडेंट है रिएक्शन. किसी एक पे डिपेंडेंट है मतलब सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है अभी. तो न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है क्योंकि ही इज अ वीक बेस. इसके पास इतना पावर नहीं है. इट्स अ वीक बेस. तो होगा क्या यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यू विल गेट CH पॉजिटिव डैश CH3. इज दैट क्लियर? या कोमल E1 कर रहे हैं हम लोग. E1 ही कर रहे हैं अभी. यहां पे चार्ज आएगा. चार्ज आने की वजह से हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है. I hope you remember hydride shift वगैरह क्या है. So this will be CH3 CCH3 double bond, sorry, positive charge CH2 CH3. अब मुझे बताओ positive charge मतलब alpha, आजू बाजू वाले beta, कहां से H निकालेगा? So it will be CH3, CCH3, CHCH3. This is one of the products. दूसरा product ये मिलेगा CH2 double bond CCH3, CH2 CH3. You tell me which one is the major product.
विच वन इज मेजर प्रोडक्ट? फर्स्ट वन ऑफकोर्स, यहाँ चार जा रहा है, इवन रीअरेंजमेंट की सारी पॉसिबिलिटी है, इधर सारी पॉसिबिलिटी, रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपांशन, सब कुछ होगा, विच इज कॉल्ड एज इवन मैकेनिज्म। एस एन वन में कैसा होता था वैसा इधर होगा। तो आई गिव यू वन एग्जाम्पल, तुम लोग इसको ट्राई करने की कोशिश करो, सी एच टू बी आर, ओके, यहां पर मैं बेस एड करूंगा, लेट से न्यूक्लियोफाइल डाला, मतलब वीक बेस डाला मैंने, ओके, लेट से ये रिएक्शन करो, प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा, डू दिस वन फास्ट, प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा, दिस विल बी अ मल्टी स्टेज रिएक्शन, यानी इसका ग्राफ कैसे आएगा, समथिंग लाइक दिस, रिंग एक्सपांशन प्लस हाइड्राइड शिफ्ट बराबर, यानी यहां पे क्या होगा, CH3 पॉजिटिव, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, रिंग एक्सपांशन करेंगे, यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, CH3 पॉजिटिव CH3, याद आ रहा है लास्ट क्लास का, फिर हाइड्राइड शिफ्ट करोगे, यू विल गेट CH3 पॉजिटिव CH3 एंड देन यू हैव कहीं से भी H निकाल लो, वहां सब्स्टिट्यूशन करना था या एलिमिनेशन करना है, देयर इज अ डिफरेंस। श्रेया, सिक्स मेंबर रिंग इज मोस्ट स्टेबल ना, श्रेया सिक्स मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ओके okay? इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो हम एडवांस में सीखेंगे, वो मेंस और इनके लिए नहीं, वी कैन मेक, नो वी कैन नॉट मेक सेवन, सेवन इज नॉट स्टेबल, सिक्स इज स्टेबल, लोग सेवन मेंबर्ड से सिक्स मेंबर्ड बनते हैं, तो अननेसेसरी उसे और अनस्टेबल मत करो, ठीक है, ये समझ में आया। एंड द लास्ट इज इवन सीबी मैकेनिज्म, यश आज नहीं होगा, एज मतलब सर से भी सजेशन आया चैप्टर होने के बाद, एटलीस्ट लेट देम ट्राई, तो हम मतलब एज पर सजेशन सैटरडे को रखने को कहा गया है, तो क्योंकि वहां उस समय नंबर ऑफ मतलब तुम्हारा ड्यूरेशन 2 hours का ही होता है ना, तो इट्स नॉट दैट टायरिंग ऑल्सो, कोमल वी आर ऑन द लास्ट पार्ट बेटा, यू नो रिएक्शन कर रहे थे तो एक फ्लोरीन वाला एग्जाम्पल किया था, यू नो सेज़ेफ और हॉफमैन वाला कर रहे थे, सेज़ेफ हॉफमैन कर रहे थे तो एक फ्लोरीन वाला एग्जाम्पल आया था, याद है, यस, क्या था उसमें, उधर भी चार्ज आ रहा था, स्पेशल क्या था उधर, स्पेशल क्या था उधर, वी वर गेटिंग व्हाट चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ रहा था ना, मैंने क्या बोला, H प्लस देने के बाद, यू रिमेंबर मैंने क्या वर्ड बोला था नेगेटिव चार्ज वाले को, कॉन्जुगेट बेस,
हाँ या ना, वही बोला था ना मैंने कॉन्जुगेट बेस, मैंने फ्लोरीन वाला एग्जाम्पल ही अपना थर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन था, कार्बन आयन वाला कॉन्जुगेट बेस, एच प्लस देने के बाद कॉन्जुगेट बेस, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ईवन सीबी, सीबी मतलब कॉन्जुगेट बेस, ईवन सीबी, मेरी बात ध्यान से सुनना, ईवन हाँ असीम इग्नोर करो बेटा, ओके या ईवन सीबी कॉन्जुगेट बेस है ये, कॉन्जुगेट बेस, ईवन क्यों, क्योंकि चार्ज आया, ईवन क्यों, क्योंकि चार्ज आया, ईवन क्यों, क्योंकि चार्ज आया, कॉन्जुगेट बेस क्यों, नेगेटिव चार्ज आया, बस। तो कौन सा एग्जाम्पल मैं करूंगा ईवन सीबी समझने के लिए, फ्लोरीन वाला एग्जाम्पल, व्हाई वी हैव टू डू इट अगेन, वो तो ऑलरेडी कर लिया है, ईवन सीबी एलिमिनेशन क्या है, फ्लोरीन वाला, वो तो ऑलरेडी सिखा दिया तुमको, वहां पे ईवन सीबी में हु इज द मेजर प्रोडक्ट, ईवन सीबी में हु इज द मेजर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हॉफमैन, ऑफ कोर्स हॉफमैन इज द मेजर प्रोडक्ट, ईवन कार्बन आयन बनेगा तो कौन सा कार्बन आयन बनेगा, कार्बन आयन बनेगा तो कौन सा कार्बन आयन बनेगा, अंडरस्टैंड द स्टोरी केयरफुली, ठीक है, समझ में आया। सो अभी लेट्स से आइसोमेरिज्म तुम्हारा वेनेसडे को है, अभी मैं तुमको आरएम के क्वेश्चंस देना शुरू करूंगा, अभी आइसोमेरिज्म आई होप लोगों का हो गया है, अब हम आरएम का क्वेश्चन, ई1 का मतलब पॉजिटिव चार्ज, ई1 सीबी का मतलब कॉन्जुगेट बेस, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, नोटिफिकेशन आता है तो म्यूट हो जाता हूं, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, वेनेसडे टेस्ट आरएम इज नॉट देयर, वेनेसडे टेस्ट आरएम इज नॉट देयर, ठीक है, probably, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी आरएम आज से पढ़ना शुरू करो तो अभी नेक्स्ट चैप्टर करके उसको शुरू होके खत्म करने को टाइम लगेगा, तब तक आरएम तक फटाफट कर लो, अभी हम लोग सैटरडे को जो कंसेप्ट वो आरएम का एडवांस का सेक्शन करेंगे, सो मेंस और नीट वाले फटाफट उसको खत्म कर दें, एडवांस के सेक्शन में कुछ कुछ पार्ट जो यहाँ पे पेजेस मैंने मिसिंग हटा दिए हैं उन पेजेस का डिस्कशन करेंगे हम लोग ऑन सैटरडे, ओके गाइस, ठीक है, हाँ नेक्स्ट पीडीएफ इज हाइड्रोकार्बन, उसको टाइम है अभी, ठीक है मैं बताता हूँ फिर, ठीक है आरएम शुरू कर दें, ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही, आराम करो, आरएम चैप्टर ओवर, रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर ओवर, ओके हैव अ बड़ा सा ब्रेक एंड आराम करो आज, सो वी आर लाइक थर्ड चैप्टर डन, ओके या कैवल्य आई एम नॉट स्टार्टिंग न्यू टॉपिक टुडे, हाँ दिस इज फोर्थ वन, अजिंक्य फ्रिडल क्राफ्ट आगे आएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आएगा, हाइड्रोकार्बन का सेक्शन है वो, हाइड्रोकार्बन अल्काइल एरोइल हैलाइड अल्कोहल फिनॉल अल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट देन अमाइन बायोमोलिक्यूल पॉलीमर, 8-9 चैप्टर करना है, ये सब नाम कहां से ढूंढ के ला रहे हो, रीमर टीमन ये सब आगे सिलेबस में है, आईसो और इसका ये शुरू करेंगे, आरएम आईसो का एडवांस पार्ट तो कर दिया था, उसका जियो ये डिस्कशन है ना एमएस शांत, तो कुछ उसका पार्ट कर लेंगे और सैटरडे को कुछ आरएम का एडवांस का सेक्शन करा दूंगा, पीडीएफ में से मतलब नोट्स जो पीडीएफ मिला उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करो, कुछ एग्जांपल्स होंगे, जितने एग्जांपल्स दिए उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, पूरा एज इट इज कॉपी करने की जरूरत नहीं है, और एक मेरा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कॉपीराइट के मामले में मैं फिर तुमको सू कर दूंगा, समझा, हाँ
अजिंक्य, दैट्स व्हाट आई सेड, आइसोमेरिज्म का जो डिस्कशन है वो सैटरडे को होगा, वो खत्म होने के बाद थोड़ा सा आरएम का पार्ट शुरू कर सकते हैं हम लोग, अगर हुआ तो, नहीं तो आरएम नेक्स्ट वीक डाल देंगे, ठीक है। नोट्स का कंटेंट जो है वो पूरा का पूरा एडवांस से रिलेटेड है, सो इसलिए उसके जो सेक्शन मिसिंग है वो हम लोग इसमें कर लेंगे एडवांस वाले, ठीक है, जो अभी रेगुलर में नहीं कराया। एररलेस का डाउट है पूछो, ऐसे हर एक का डिस्कशन, हर एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करने जाएंगे, अपने सिलेबस को खत्म करने को 2 साल लगेगा। ओके, चलो बाय किड्स, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।